हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी कम से कम एक घंटे डेढ़ घंटे पहले एक मैसेज आया था मुझे कि मैम शोल्डर लेंथ के लिए एंड हाई मैसी बन हेयर स्टाइल बताइए। तो शोल्डर लेंथ के लिए मैंने अपलोड कर दिया डियर, एंड हाई मैसी बन मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ईजी तरीके से आप बना लोगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। घर में काम चल रहा है, पार्लर बनवा रही हूँ, जिसके वजह से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा चल रही है, रुकने का कोई नामो निशान नहीं है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा। ये है कोपल केथवास जी का मैसेज है, आप देख सकते हो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। इस तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो इन्होंने मैसेज किया था कि मैम थोड़ा सा शोल्डर लेंथ के लिए एंड मैसी हाई बन हेयर स्टाइल शेयर कीजिए। तो शोल्डर लेंथ के लिए तो मैंने शेयर कर दिया है, और डियर मैसी हाई बन मैं अभी शेयर कर दे रही हूँ। और भी आप लोग का कोई भी डिमांड रहता है, कोई हेयर स्टाइल आप देखना चाहते हो जो कि आप लोग अर्जेंटली चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कोशिश करती हूँ आप लोग के साथ वो हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर करने के लिए। गाइस एक सेकेंड, मेरा गैलरी खो गया है। तो ये है मैसेज। तो चलिए मैसी बन हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा मैसेज। सबसे पहले आपको बनानी है एक हाई पोनी, इस टाइप का हाई मैसी बन बनाने के लिए। हाई पोनी अगर नहीं बनाने आती है तो बालों को पहले पूरा नीचे की तरफ करोगे इस तरीके से, और अच्छे से कॉम कर लोगे। ओके, कॉम करने के बाद से एक रबड़ बैंड से अच्छे से बालों को टाइटली रबड़ बैंड को लगा लोगे। आजकल सबको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे शोल्डर लेंथ है, छोटे बालों के लिए, पतले वालों के लिए हेयर स्टाइल चाहिए, तो इस टाइप की हेयर स्टाइल मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये मैंने हाई पोनी बना ली है। देन अपने बालों को थोड़ा थोड़ा अच्छा लुक दिखाने के लिए मैसी बन है तो इस तरीके से खींच लीजिएगा ताकि हेयर स्टाइल अच्छा दिखे, बैक से भी खींच लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने पोनी बनाई है थोड़ा सा गैप देते हुए एक रबड़ बैंड लगा लेंगे यहाँ पे। ओके, देन इसके अंदर एक होल करेंगे इस तरीके से, और जो आपका हेयर है उसको इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे, अगेन होल करेंगे, देन ट्विस्ट कर देंगे। उसके बाद से ये सारे हेयर्स को अच्छे से पतला पतला सेक्शन लेके खींच लेना है, ताकि अच्छे से मैसी सा लुक आ जाए आपके बन का। खूब सारा हेयर एक साथ नहीं पकड़ना, बिल्कुल पतला पतला लेयर लेके आपको ऐसे खींचना है। ओके, छोटे वालों पे भी बहुत अच्छा सा मैसी बन बन जाएगा अगर आप ये वाला ट्राई करोगे तो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने किसने ट्राई किया। तो ये मैंने खींच लिया है अच्छे से। अगेन आपको ये वाला जो आपका हेयर बचा हुआ है, यहाँ पे एक और रबड़ बैंड लगा लीजिए, सेम जैसे मैंने ऊपर वाले में किया था वैसे हॉल करना है, और इसको दो बार इन करके निकाल लेना है। फिर ऐसे छोटे छोटे ऐसे सेक्शन पकड़ के और खींचना है बालों का। ओके, उसके बाद से थोड़ा सा और खींच लेते हैं इस तरीके से। पोनी को घुमाना है, बैक से भी घुमाना है, और जो आपका ये रबड़ बैंड है ये वाला लेयर लेके रबड़ बैंड के अंदर से इन करते हुए इस तरीके से रखना है, और यू पिन से सेट करना है। काफ़ी अच्छा सा आपका छोटे बालों में भी बड़ा सा मैसी बन क्रिएट हो जाएगा। और कैसा लगता है आप लोगों को मेरे बताने का तरीका, ये भी ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। बैक में ले जाके यू पिन से फिर से सेट कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा हेयर चारों तरफ से खींच लेंगे। वाह,
और बन का फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आएगा। आप चाहो तो लेयर्स भी निकाल सकते हो। अगर आपका फेस राउंड है, चौकोर में है, तो आप लेयर्स ज़रूर निकालिएगा। लॉन्ग फेस है तो आप लेयर्स को अवॉइड कीजिएगा। तो ये है फाइनल लुक। तो ये न्यू नया तरीका है मैसी बन हेयर स्टाइल बनाने का, और बहुत ही अच्छे से छोटे बालों में, पतले बालों में, हल्के बालों में, आप किसी भी टाइप हेयर में आप इस टाइप का बन, मैसी बन और बिग मैसी बन बना सकते हो। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके की वीडियो और सबसे पहले देखने के लिए। और मेरे दूसरे चैनल सिलाई कोच प्रीति वाई चैनल को भी ज़रूर जाइए। अगर आपको वहाँ पे वीडियोज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।